हे हाय हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। सो आज का वीडियो है एक कपल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ अबाउट अंकुश अग्निहोत्री एंड प्रीति शर्मा। इनके जो चीज़ें हैं, एलिगेशंस है, ब्लेम गेम है, वो ख़त्म ही नहीं होने में आ रही है। सो अंकुश सर ने परसों वीडियो डाला जिसको देख के प्रीति जी आज एक वीडियो डालती हैं। सो देखिए, वी नेवर नो कि किसके एंड से सच्चाई है, किस कौन झूठा है, कौन सच्चा है, किसने ज़्यादा फेस किया है, किसने कम फेस किया है। बट मैं ना एक पॉइंट पे अंकुश को मतलब उनके फेवर में जाना चाहूँगी, जहाँ पे वो एक चीज़ बार बार डिमांड कर रहे हैं कि प्रीति आप लाइव आ जाओ, लाइव में बात कर लेते हैं, ये ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं। तो वहाँ से प्रीति का कोई आंसर नहीं आता, ठीक है। अगर आप लाइव नहीं आना चाहते हो उनके साथ, अगर आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते हो, देन ये वीडियो भी नहीं खेलिए प्लीज। यहाँ से एक वीडियो आता है, उधर से रिवर्ट आता है, उधर से एक वीडियो आता है, यहाँ से रिवर्ट आता है। वो तो आपको ओपनली बोल रहे हैं ना प्रीति की, आप डायरेक्टली लाइव पे आओ, ठीक है। लाइव पे आके बात करो फेस टू फेस, ठीक है। वो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, ठीक है। वो वहाँ से कोई बात आती है तो भी वो आपको नहीं चाहिए, ठीक। एलिगेशंस की बात जहाँ तक रही, तो एलिगेशंस जितना हमने वीडियोस को देखा है, जितना वीडियोस को समझा है, ये कुछ भी है, वो कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, वो आई गेस आपके सब्सक्राइबर्स को भी पता है, दूसरी पार्टी के सब्सक्राइबर्स को भी पता है कि वो वीडियोस कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, वो एलिगेशंस कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखिए, ना ही मैं आपके फेवर में हूँ, ना ही मैं अंकुश सर के फेवर में हूँ। मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए बोलती हूँ कि ऑब्वियसली आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, तो मेरा बच्चा दोनों मदर फादर को ढूंढता है, उसको दोनों का प्यार चाहिए। सेम केस गोज विद यू, आपका बच्चा भी दोनों का प्यार ढूंढता होगा, नो डाउट। अभी बच्चा छोटा है तो मदर के ज़्यादा क्लोज होता है, बट मीनवाइल बिकॉज ही लुक आफ्टर हिज डैड, वो पक्का देखेगा, ठीक है। तो आपने आज एक चीज़ बोली कि मेरा बच्चा 2 साल से मेरे पास है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे उसको कैसे पालना है, कैसे रखना है। देखिए, वो कोई आपको बताएगा भी नहीं, आपका बच्चा 2 साल से आप रख रही हैं, उसके बाद आप रखेंगी, या जो भी सिनेरियो रहेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। बिकॉज एक मदर को कोई भी नहीं सिखा पढ़ा सकता है, ठीक है। मदर गोज थ्रू एक्सपीरियंसेस ओनली। सो ये चीज़ है। एंड यस, जितने भी लोग मुझे या मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं या दूसरी पार्टी के सब्सक्राइबर्स हैं, या जैसे भी आपका जो भी फंडामेंटल है, तो जितने भी लोग चाहते हैं, ठीक है, कि ये दोनों लोग लाइव आएँ, लाइव पे इनकी बात हो, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, सो दैट ये जो चीज़ें हैं, ये जो ब्लेम गेम है, एटलीस्ट ये ख़त्म तो हो। एंड बोथ ऑफ देम, अंकुश एंड प्रीति, बोथ ऑफ देम दे कैन वर्क ऑन देयर ओन वर्क, ठीक है। वो अपने काम पे फोकस करें, रादर देन कि एक दूसरे को एलिगेट करते रहें। बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, यहाँ बैठ के कोई भी, ठीक है, कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूअर उनकी किसी चीज़ को जजमेंट तो नहीं दे सकता, ना ही हम में से कोई उनका लॉयर है या अपोजिट पार्टी का लॉयर है, ना उनका कोई डिसीजन मेकर है जो बैठ के उनकी बातें सुन के डिसीजन दे देगा, है ना। वी आर देयर जेन्युइन सपोर्टर्स, वी आर देयर जेन्युइन व्हाट यू कैन से आवर व्यूअर्स, ठीक। तो जब वहाँ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है, देन आई फील कि मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि इफ अंकुश इज सेइंग दैट यू शुड कम लाइव विद हिम, देन इफ यू कॉन्शियस द लॉस, तो आपको लाइव जरूर आना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल मेक पीपल द थिंग मोर क्लियर, लोगों को उसे ज़्यादा क्लियर होगा। एंड आप लोग में से जो भी जेन्युइन है, जो भी सच्चा है, जिसकी भी बात सही है, उस पर और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा अल्टीमेटली, बिकॉज चीज़ें निकल के आएंगी ही आएंगी। एंड प्रीति, इन वन वीडियो यू क्राइड अ लॉट, सी डियर, इट्स लाइक हर मैरिज रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरी में भी आई हैं। आई हैव ऑल्सो क्राइड नंबर ऑफ टाइम्स, जब हमारी मैंटेलिटी नहीं मैच होती है हमारे पार्टनर के साथ, जब हमारे इन लॉज और हमारे थॉट प्रोसेस नहीं मैच होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आप ही रोए हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड से जो लोग हैं वो भी रोते हैं, सो वो चीज़ें आप ही के लिए ख़राब होंगी। बिकॉज अभी भी इतना कुछ आप लोगों में नहीं बिगड़ा है कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हो। सो यू टू कैन बी टुगेदर, यू टू कैन बी इन द सेम पेस अगैन। थोड़ा टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग को, पर हो जाएंगी चीज़ें, प्रोवाइडेड आप लोग दोनों चाहते हो। सो दैट्स ऑल। एंड विल जस्ट प्रे कि उस छोटे से बच्चे को दोनों मदर फादर का प्यार मिले, एंड यू बोथ गेट विद ईच अदर, सो दैट एक फैमिली दोबारा से कंप्लीट हो जाए, जुड़ जाए,
एंड दोनों की फैमिलीज भी एक साथ चलें, ऐसा ना हो कि आप लोग तीन ही एक साथ हो, नहीं, आपकी भी फैमिली और उनकी भी फैमिली एक साथ रहे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अ वेरी गुड डे।